लालू प्रसाद जी ही बिहार के लिए कैंसर साबित हुए। बिहार में अराजकता की स्थिति बनाने वाला कोई नेता रहा तो उनका नाम है लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद जी ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर, और ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ने ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, सम्राट चौधरी लगातार इन दिनों एक पर एक बयान दे रहे हैं और अपने बयानों में खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घेरते नजर आते हैं। बता दें कि लगातार इन दिनों सम्राट चौधरी की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन बयानों में खासकर नीतीश कुमार और लालू यादव का घिराव करते हुए नजर आते हैं, उन पर जमकर बोलते नजर आते हैं। इस बार सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है, और इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को देश के लिए कैंसर साबित करते हुए बता दिया है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को कैंसर बताया है और साथ ही और भी कई चीज़ों को लेकर के सम्राट चौधरी बोलते नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी जमकर बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आप खुद सुनिए। लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक है, इससे अधिक कुछ नहीं है। लालू जी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। ना किसी को उन्होंने जवान दिया है और ना किसी को कोई ताकत दिया है, सिर्फ अपने लिए सब ताकत का प्रयोग किया है। लालू प्रसाद जी ही जी स्वयं ही बिहार के लिए कैंसर साबित हुए। बिहार में अराजकता की स्थिति बनाने वाला कोई नेता रहा तो उनका नाम है लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद जी ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर, और ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ने ही स्थिति। सुना आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी जो है लालू प्रसाद यादव पर ये बातें कह रहे हैं और साथ ही तेजस्वी यादव पर भी जमकर बोल रहे हैं। लगातार इन दिनों राजनीतिक गलियारों में अगर आप देखें तो लगातार जो है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों, लगातार इन दोनों पर बोलते नज़र आते हैं, लगातार जो है कटाक्ष करते नज़र आते हैं, और एक बार फिर से उनका ये बयान जो है सुनने को मिला है। इसलिए जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।